नमस्कार दोस्तों, तालिबान ने अब पूरा कब्जा जमा लिया है अफगानिस्तान देश के ऊपर। अफगानिस्तान की सरकार अब गिर चुकी है और अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ घनी देश छोड़कर भाग गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वो तजिकिस्तान गए तो कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो उज्बेकिस्तान भागे हैं। बाकी देश अपने सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी काबुल से। 15 अगस्त को तालिबान काबुल में घुस गया था और प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर चला गया। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी, एक बड़ी लंबी लिस्ट है इन देशों की जिन्होंने अपनी एम्बेसीज को शट डाउन कर दिया है अफगानिस्तान के अंदर। यूएस एम्बेसी को भी कंप्लीटली इवैक्यूएट किया जा चुका है और बचे कुछ लोग काबुल एयरपोर्ट के जरिए देश छोड़कर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है और तालिबान ने चारों तरफ से उस पर कब्जा कर लिया था। एक इकलौती जगह लोगों के लिए बचती थी काबुल एयरपोर्ट, अगर वो देश छोड़कर भागना चाहते थे तो। इसी रीजन से काबुल एयरपोर्ट पर कुछ बड़े खौफनाक दृश्य दिखाई दिए। Crowds packed the international airport in Kabul in a chaotic scene on Sunday after Taliban insurgents entered the Afghan capital and President Ashraf Ghani fled the country, saying he wanted to avoid bloodshed. It took the Taliban just 1 week to regain control of Afghanistan. Airport has been closed to all civilian flights. Gunshots have been fired there, where thousands of Afghans have gathered in the hope of getting out of the country. यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने क्लेम किया था कि तालिबान के पास करीब 85,000 फाइटर्स हैं, लेकिन अफगानिस्तान आर्मी के पास 3 लाख सोल्जर्स हैं, तो अफगानिस्तान की आर्मी अपने आप को आसानी से डिफेंड कर पाएगी। Is a Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not, because you have the Afghan troops have 300,000 well-equipped as any army in the world and an air force against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable. US intelligence experts ने कहा था कि तालिबान को करीब 3 से 4 महीने तक का समय लग सकता है पूरे देश पर कब्जा जमाने में, लेकिन सिर्फ कुछ चंद हफ्तों में बड़ी ही आसानी से तालिबान ने अफगानिस्तान की सरकार को गिरा दिया। शायद इसके पीछे एक रीजन ये है कि अफगानिस्तान की आर्मी की तरफ से ना के बराबर रेजिस्टेंस देखने को मिली। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट ने एक फेसबुक पोस्ट में बताया कि वो काबुल छोड़कर भाग गए क्योंकि वो कोई खून खराबा नहीं चाहते थे, लेकिन रियलिटी में करप्शन, पुअर लीडरशिप, लैक ऑफ ट्रेनिंग और लो मोरल जैसे कई रीजंस थे जिसकी वजह से अफगानिस्तान आर्मी ने कोई रेजिस्टेंस नहीं शो करी, उन्होंने फाइट बैक नहीं किया तालिबान के अगेंस्ट। पिछले साल जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तो यूएसए ने एक पीस डील साइन करी थी तालिबान के साथ। अफगानिस्तान के सोल्जर्स के लिए यह धोखेबाजी वाली बात थी, उन्हें लगा कि कैसे हमारे पीठ पीछे अमेरिका जाके हमारे दुश्मनों के साथ बातचीत कर सकते हैं और ऐसी डील साइन कर सकते हैं। और अब जब यूएसए जो बाइडेन के टाइम में अमेरिकन आर्मी को पीछे हटा रहा है, तो अफगानिस्तान सोल्जर्स के लिए ये और भी डीमोरलाइजिंग चीज थी। उन्हें लगा कि अब हम कैसे फाइट कर सकेंगे जब पीछे से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है मिलिट्री वाइज। दूसरी तरफ तालिबान ने काफी स्ट्रेटेजिकली प्रोपेगेंडा और साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस का इस्तेमाल किया अफगानिस्तान आर्मी के अगेंस्ट। एक ऑल आउट वॉर डिक्लेयर करने की जगह उन्होंने टेक्स्ट मैसेजेस भेजे अफगानिस्तान सोल्जर्स को, बॉम्बार्ड किया कि अगर तुम लड़ोगे नहीं हमारे अगेंस्ट तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे और तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को भी कुछ नहीं करेंगे। ऐसी धमकियां दी गई कि हजारों की तादाद में अफगानिस्तान के सोल्जर्स ने अपनी आर्मी को डिजर्ट कर दिया और वो साइड स्विच कर गए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कोई भी आम आदमी अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को सबसे पहले देखता है। यहां उन्हें दिख रहा है कि अगर वो तालिबान के सामने अपना सर झुका लेंगे तो वो जिंदा बच जाएंगे, उनका परिवार जिंदा बच जाएगा, तो क्यों नहीं वो ऑप्शन चूज करेंगे, एस्पेशली तब जब दूसरी तरफ जो उनका लीडर है वो खुद इतना मोटिवेटेड नहीं है, उसे खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो जीत सकता है और वो खुद देश छोड़कर भाग जाता है। लेकिन तालिबान का राज आम लोगों के लिए, स्पेशली औरतों के लिए, शायद अफगानिस्तान में किसी नरक से कम नहीं है, स्पेशली तब अगर तालिबान अपने वही रूल्स को लागू करता है जो उन्होंने 1996 और 2001 के समय में किए थे। ऑलरेडी कुछ रिपोर्ट्स आनी चालू हो चुकी हैं कि लड़कियों को किडनैप किया जा रहा है तालिबान फाइटर्स की ब्राइड्स बनने के लिए, कुछ लड़कों को फोर्स किया जा रहा है कि वो तालिबान के लिए लड़ाई करें। बहुत से पुराने अफगानिस्तान के सरकारी ऑफिशियल्स को असैसिनेट भी किया जा चुका है। लड़कियों को डर है कि क्या वो स्कूल जा पाएंगी, क्योंकि अगर आपको याद हो मैंने पिछले तालिबान के वीडियो में बताया था जो पिछली सरकार आई थी तालिबान की उसमें लड़कियों को स्कूल तक जाना अलाउड नहीं था, लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल सकती थी अगर कोई मेल रिलेटिव उन्हें अकंपनी नहीं कर रहा था तो। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है दोस्तों कि तालिबान वाले इन नई रिपोर्ट्स को, कुछ नई रिपोर्ट्स को डिनाई कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अब जब हम नई सरकार बनाएंगे अफगानिस्तान में हम औरतों को भी राइट्स देंगे,
हम औरतों को अधिकार देंगे कि वो स्कूल जा पाए, काम कर पाए और घर से अकेले बाहर निकल पाए। हालांकि औरतों को हिजाब जरूर पहनना होगा, वो अभी भी कंपलसरी होगा। जब तालिबान के स्पोक्स पर्सन से पूछा गया, लिटरली स्पोक्स पर्सन से, अब हालत ये आ गई है आज के दिन की तालिबान के स्पोक्स पर्सन भी इन मीडिया हाउसेस से बात करने लग रहे हैं। तो बीबीसी से जब इंटरव्यू कर रहे थे तालिबान के स्पोक्स पर्सन, तो उन्होंने बताया कि अब हम औरतों को बुरखा कंपलसरी नहीं करेंगे, अब वो हिजाब ही ठीक है। द पॉलिसी इज दैट वुमेन कैन हैव एक्सेस टू एजुकेशन एंड टू वर्क एंड ऑफ कोर्स दे विल ऑब्जर्व द हिजाब, दैट इज इट। तालिबान ने तो अब ये तक कह दिया है कि मीडिया को अलाउड होगा इन्हें क्रिटिसाइज करना, लेकिन कहने के लिए बातें कुछ और हैं, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। अभी रिसेंटली एक अफगानिस्तान में कॉमेडियन थे, उन्हें मारा गया तालिबान के द्वारा, और तालिबान ने एडमिट भी किया कि उन्होंने इस कॉमेडियन को मारा था। साथ ही साथ तालिबान ने यह भी एडमिट किया कि उन्होंने कई सरकारी ऑफिशियल्स को असैसिनेट किया था, क्योंकि इनके हिसाब से वो ट्रेटर्स थे। तो अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान के लोगों के लिए सिचुएशन अब बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही है। हम लोग अब बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी हम तालिबान से एक्सपेक्ट करते हैं कि तालिबान ये करेगा अफगानिस्तान के लोगों पर, वो ना करे और अफगानिस्तान के लोगों को सही मायनों में आजादी और फ्रीडम मिल पाए। दूसरी तरफ अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के लिए ये कई मायनों में बड़ी बेइज्जती वाली बात है। एक ये फोटो बहुत वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर अभी, जहां पर एक अमेरिकन हेलीकॉप्टर साइड में दिख रहा है अमेरिकन एम्बेसी के अफगानिस्तान में। ये फोटो एक्चुअली में काफी सिमिलर है एक 45 ईयर ओल्ड पुरानी फोटो से जो ली गई थी साइगोन साउथ वियतनाम में। अमेरिकन एम्बेसी के साइड में एक हेलीकॉप्टर इवैक्यूएशंस करवा रहा था अमेरिकन एम्बेसी से। वियतनाम वॉर में भी अमेरिका को बहुत एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ी थी। तो बहुत से लोग इस अफगानिस्तान की सिचुएशन को जो बाइडेन साइगोन मूवमेंट करके पुकारते हैं। यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने इस कंपैरिजन को रिजेक्ट किया और कहा कि यूएसए का मिशन अफगानिस्तान में एक्चुअली में सक्सेसफुल रहा है। एक्चुअली में यूएसए अफगानिस्तान में गया था उन लोगों के खिलाफ जाने के लिए जिन्होंने 9/11 अटैक करवाया था। दिस इज मैनिफेस्टली नॉट साइगोन। The fact of the matter is this: we went to Afghanistan 20 years ago with one mission in mind, and that was to deal with the people who attacked us on 9/11. And that mission has been successful. We brought Bin Laden to justice a decade ago. लेकिन अगर ऐसा था तो सवाल उठता है कि 2011 में जब ओसामा बिन लादेन को ऑलरेडी मार दिया गया था, उसके बाद भी क्यों यूएसए अफगानिस्तान में रहा, उसके बाद ही क्यों नहीं निकल लिया अफगानिस्तान से। एक 2019 की स्टडी ने एस्टिमेट किया था कि 9/11 अटैक के बाद से अमेरिका $6.4 trillion स्पेंड कर चुका है मिडिल ईस्ट वॉर्स पर और 800,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं एज ए रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट फाइटिंग। इतना सारा पैसा, ये सारा पैसा अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा है, कहां इस्तेमाल किया जा रहा है इसे? एक्चुअली में ट्रिलियन डॉलर्स की क्यों जरूरत पड़ रही है इन लड़ाइयों को लड़ने में, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है जानना दोस्तों। वॉर्स और लड़ाइयों को लेकर जो एथिकल कंसर्न्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स के कंसर्न्स होते हैं, वो तो है ही, लेकिन अगर हम उन्हें साइड में भी रख दें और एक हाइपर नेशनलिस्ट इंसान के पर्सपेक्टिव से देखें, जिसे लगता है कि इन वॉर्स पर जाना मेरे देश को फायदा पहुंचा रहा है, मेरे देश की सिक्योरिटी बढ़ रही है इससे, तो यूएस इराक वॉर का एग्जाम्पल लेते हैं। यूएस के 2003 के इराक इन्वेजन से पहले जो ऑयल इंडस्ट्री थी इराक में, वो नेशनलाइज थी, यानी इराक के लोगों का अपनी ऑयल इंडस्ट्री पर कंट्रोल था, उन्हें उसका प्रॉफिट मिलता था। लेकिन जब यूएस ने इन्वेड कर लिया इराक में और तेल को लूटा इराक से, तो प्राइवेटाइज कर दी गई वो। एक्सॉन मोबाइल, बीपी, शेल, हैलीबर्टन जैसी कंपनीज के हाथों में। हैलीबर्टन एक ऐसी कंपनी थी जिसे हेड किया जाता था डिक चेनी नाम के इंसान के द्वारा। जब इन्होंने इस पोजीशन से स्टेप डाउन कर दिया, ये यूएस के वाइस प्रेसिडेंट बने। यूएस के वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद भी काफी सारे शेयर्स होल्ड करते थे ये इस कंपनी में। अचानक से कई क्लेम्स आने लगे कि कैसे इराक के पास न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, और डिक चेनी ने अपनी पब्लिक स्टेटमेंट्स में कहा कि यूएस को इराक वॉर में जाना चाहिए। और इसके बाद आप गेस कर ही सकते हो, इस हैलीबर्टन कंपनी को ना सिर्फ ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए इराक में, बल्कि कई मेजर मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिए गए, जिससे इस कंपनी को काफी प्रॉफिट मिला। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम एक्सॉन मोबिल कंपनी की बात करें तो इस कंपनी ने 2003 के टाइम में लार्जेस्ट एवर क्वार्टरली कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स रिपोर्ट किए हिस्ट्री में एट $7 billion। आप शायद पूछोगे दोस्तों कि मैं इराक की क्यों बात करने लग रहा हूं अफगानिस्तान के वीडियो में। रीजन यह है दोस्तों कि अफगानिस्तान में भी सिमिलर कहानियां सुनने को मिलती हैं। अफगानिस्तान में बिगेस्ट डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है एक कंस्ट्रक्शन जायंट कंपनी फ्लोर नाम से। 2015 के बाद से यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने $3.8 billion खर्च किए थे इस कंपनी पर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट देने में। ओवरऑल मैं बात यह कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि अक्सर ऐसा होता है कि कुछ चंद बड़ी कंपनीज मिलियंस और बिलियंस में प्रॉफिट कमाती हैं जब कहीं पर लड़ाई होती है तो, वॉर्स होती हैं तो।
इसी चीज को मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। ये जो पैसा है अक्सर ये टैक्स पेयर का पैसा होता है जो दिया जाता है आर्मी को, मिलिट्री को, और मिलिट्री फिर कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड करती है बड़ी बड़ी कंपनीज को जो इससे प्रॉफिट कमाती है। और अक्सर यही बड़ी कंपनीज पॉलिटिशियंस को ब्राइब करती हैं, लॉबी करती हैं कि डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हमें ही दिए जाने चाहिए और ये लड़ाई चलती रहनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2018 में फ्लोर ने $5.3 million स्पेंड किए थे लॉबिंग करने में कांग्रेस में। तो इस सेंस से देखा जाए तो पिछले 20 सालों में नुकसान अमेरिका की आम जनता का हुआ है, उन्हीं के पैसे की बर्बादी हुई है और उन्होंने ही जाकर एज अमेरिकन सोल्जर्स अपनी जान गंवाई है, वो शहीद हुए हैं अफगानिस्तान की वॉर में। अब इस सिचुएशन को अगर हम एक जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखें दोस्तों, तो चाइना और रशिया दो ऐसी बड़ी कंट्रीज हैं जिन्होंने अपनी एम्बेसीज को इवैक्यूएट नहीं किया है काबुल में। इसका मतलब यह है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चाइना और रशिया तालिबान के फेवर में है यहां पर। इनफैक्ट चाइना ने तो यह भी कह दिया है कि वो तैयार हो गए हैं तालिबान की नई बनने वाली सरकार से फ्रेंडली रिलेशंस बनाने के लिए। इसके पीछे रीजन बड़ा ऑब्वियस है, चाइना अपनी इकोनॉमी के बारे में सोचता है, वो अपने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के बारे में सोचने लग रहा है। ये एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट है बाकी वेस्टर्न कंट्रीज से, जैसे कि यूके जो कि कहने लग रहा है कि हम तालिबान की नई सरकार को रेकग्नाइज नहीं करने वाले। शायद से बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज तालिबान को ना रेकग्नाइज करें एज द न्यू गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान, लेकिन चाइना और रशिया के लिए यह फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर क्रिएट करने वाली बात हो सकती है, क्योंकि यूएसए ने भी ये पहले करने की ट्राई करी थी, उससे पहले सोवियत यूनियन ने भी ये ट्राई किया था। यूएसए ने मुजाहिदीन को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया था, उनके लिए वायलेंट टेक्स्ट बुक्स छपवाई थी, अब उन्हीं पर ये बैकफायर कर रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में अब चाइना को भी पछताना पड़े अपने सपोर्ट की वजह से। अगर तालिबान यहां पर चाइना के साथ हाथ मिला लेता है तो तालिबान के लिए भी ये बड़ी हिपोक्रेसी वाली बात होगी, क्योंकि एक तरफ ये दिखाते हैं कि हम बड़े कट्टर मुसलमान हैं, हम मुसलमानों की कितनी परवाह करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ चाइना जैसे देश के साथ फ्रेंडली रिलेशंस बनाना जो उइगुर मुसलमानों पर अत्याचार करने लग रहे हैं। ये हिपोक्रेसी नहीं तो और क्या है। इससे एक चीज बड़ी क्लियर हो जाती है दोस्तों, जो आपको समझनी जरूरी है, कि ये सारे पॉलिटिशियंस इन सारे देशों में इंक्लूडिंग द तालिबान सब के सब ये सत्ता के लालची हैं। एक किसी ने बड़ा सही कहा था कि ये सारे मिलकर हमको पागल बना रहे हैं, क्योंकि आम आदमी ही हर देश में विक्टिम बनता है इनके अत्याचारों का। इनके पावर गेम्स का दर्द एंड में आम आदमी को ही सहना पड़ता है। अब इंडिया के लिए भी ये पूरी सिचुएशन बड़ी डिलेमा वाली बात है, क्या इंडिया तालिबान को सपोर्ट करे, रेकग्नाइज करे या फिर नहीं करे। अगर नहीं करे रेकग्नाइज तो क्या इंडिया तालिबान पर प्रेशर बनाए, अपनी आर्मी भेजे तालिबान के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, अगर नहीं तो क्या इनडायरेक्ट प्रेशर बनाया जाए तालिबान पर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होल्ड करने के लिए, अगर नहीं तो क्या तालिबान को एक्नॉलेज किया जाए, उसे ऐसे ही रहने दिया जाए। क्या करना चाहिए यहां पर इंडिया को, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपको क्या लगता है नीचे कॉमेंट्स में लिखकर बताओ। लेकिन ओवरऑल इस कंक्लूजन में यही कहूंगा दोस्तों, अगर आप इस सिचुएशन में कंफ्यूज हो कि किसे सपोर्ट करें, अफगानिस्तान की सरकार को, तालिबान को, यूएसए को, चाइना को या रशिया को, तो बस इतना समझ लीजिए यहां पर आम जनता को सपोर्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरी राय यही है कि हमें अमेरिकन सोल्जर्स को सपोर्ट करना चाहिए जो शहीद हो रहे हैं ऐसी लड़ाइयां लड़के, अमेरिकन टैक्सपेयर जिनका पैसा लूटा जा रहा है ऐसी लड़ाइयां करने के लिए, अफगानिस्तान के आम लोग जो अत्याचार सह रहे हैं तालिबान राज के अंडर, रशिया की आम जनता जो अत्याचार सह रही है पुतिन की डिक्टेटरशिप के अंडर, या फिर चाइना की आम जनता जो अत्याचार सह रही है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर। हमें इन सब लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, हर इंसान के फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करना चाहिए। उम्मीद करता हूं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।